तरह इस वर्ष भी रंग पंचमी के त्यौहार पर गैर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते एक विशाल चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरेगा, जो कि प्रातः 11 बजे हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज, शास्त्री पार्क, सोनी कॉलोनी से होकर भार्गव कॉलोनी स्थित कृषि फार्म हाउस पर पहुंचेगा। इस महोत्सव को मनाने के पीछे आयोजनकर्ताओं का ये मकसद है कि लुप्त हो चुकी परंपराओं को पुनः आगे बढ़ाया जाए। गैर करके जो अपना कार्यक्रम गैर महोत्सव पर निकालते हैं, जिसका मतलब होता है कि गैरों के साथ भी होली खेलो। पहले के ज़माने में क्या होता था कि रंग पंचमी एक ऐसा त्यौहार रहता था जब लोग सारे मनमुटाव भुला के सारी चीज़ों से धर्म जाति उन चीज़ों से ऊपर उठकर एक शहर के प्रबुद्ध लोग वरिष्ठ नागरिक शहर के अंदर निकलते थे, सबके साथ होली खेलते थे, गुलाल लगाते आगे चलते थे, जिससे अपनत्व का भाव पूरे समाज के अंदर जागता था और एक अच्छा वातावरण शहर के अंदर बनता था। लेकिन धीरे धीरे रंग पंचमी और होली त्यौहार का मतलब बदलता गया और लोगों ने हुड़दंग के रूप में, एक उद्यम के रूप में इसको ले लिया कि जिसमें लोग नशा करते हैं, आदि आदि तरीकों का व्यसन करते हैं और बाजार में मोटरसाइकिलों पर और अन्य विभिन्न तरीकों से उसको हुड़दंग मचाने का केवल एक प्रयास करते हैं। तो अपन उस लुप्त जो अपनी परंपरा है उसको अपन ने पुनः 4 साल पहले चालू करा और लगातार आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष से सफलतापूर्वक अपना कार्यक्रम निकला, तो उसी श्रृंखला में अपन ने 4वें साल को और भव्य रूप से अपन ने उसको बनाने का एक प्रयास अपन ने आज किया है, जिसके लिए कल 11 बजे से हनुमान चौराहे से अपन ने अपने चल समारोह प्रारंभ रखा है। तो हनुमान चौराहे होते हुए हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार में जो भारत कृषि फार्म है, जहाँ पर पारंपरिक रूप से हर बार उसका अपन कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो वहीं पर जाकर उसका समापन होगा। तो वहाँ पर सभी आप सभी का सब नगरवासी का भोजन रहेगा, आप सभी भारतीय रूप में आमंत्रित हैं। कितने बजे से शुरू होगा? 11 बजे से अपना शुरू हो जाएगा हनुमान चौराहे। तो 5वां साल है कि चौथा? चौथा साल है, कल 4वां साल हो गया। अच्छा, ये इसमें स्वरूप क्या रहेगा, मतलब क्या क्या इसमें क्या पानी की क्या? इसमें अपन ने पानी टैंकरों की व्यवस्था अपनी हर साल रहती है, तो पानी टैंकरों की अपन ने व्यवस्था करी, जिसमें अपन उड़ंग बोलेंगे। उसके अलावा नगर पालिका से भी बातचीत हुई, तो फायर ब्रिगेड का अपन ने प्रयास किया, फायर ब्रिगेड भी हर साल में आती है, ये परंपरा इस साल भी रहेगी। फायर ब्रिगेड के द्वारा भी सब पर पानी का और रंग का छिड़काव करेंगे। बीच बीच में नगर वासियों ने स्वागत रखा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में क्या इसकी अनुमति वगैरह लेना पड़ेगा? हाँ, कार्यक्रम की अनुमति हमने कल मैडम SDM महोदय से बात करी, रेगुलर मैडम से, तो उन्होंने हमको अनुमति इसकी कल प्रोवाइड कर दी है। क्योंकि कुछ शर्तें रखी हैं उन्होंने, या मतलब उन्होंने बताया जिस उन्होंने शर्तें रखी उनका अपन ने पूरा पालन करा है, और किसी भी तरीके की उनकी शर्तों की अपन अवहेलना नहीं करेंगे। बाकी ये कोई अपना नया कार्यक्रम है नहीं, पारंपरिक कार्यक्रम हर साल निकलता है, राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, इसलिए इसमें किसी भी रूप का सरकारी कोई परेशानी इसमें होनी नहीं प्रशासन। और ये क्या इसकी समिति का आपका क्या नाम है? ये अपनी गैर महोत्सव आयोजन समिति है, इसमें कोई अभी ऐसा स्वरूप प्रारूप नहीं है, लेकिन इसमें समाज के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सब संगठन, हाँ सभी संगठनों के, कोई इसमें राजनीतिक उसमें नहीं है, पूरा हिंदू समाज का कार्यक्रम है।